हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से मोदक। तो देखिए, मोदक बनाने के लिए हमने ले लिया है गेहूं का आटा 1 कप। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिलाने के लिए ले लिया सूजी, और इसमें हम 1 चम्मच बेसन भी मिलाएंगे। बादाम ले लिए हैं कटे हुए, घी ले लिया है और इसमें मिलाने के लिए किशमिश लिया है, 1/2 कप घर की जमी हुई मलाई। आइए शुरू करते हैं बनाना मोदक। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई, इसमें हम घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ गेहूँ का आटा, बेसन। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। भूनेंगे। इसे हमें चलाते हुए लगातार भूनना है ताकि जो सूजी है हमारी वो जले नहीं। हमने इसमें बेसन भी डाला है, वो भी नहीं जलना चाहिए। तो इसको लो फ्लेम पे हम इसको भूनते रहेंगे। इसको भूनने में कम से कम 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। सूजी हमारी भून चुकी है, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम कटा हुआ अखरोट। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास इसमें अखरोट था, मैंने वो ले लिया है। अब हमारे ड्राई फ्रूट जो हमने ये डाले हैं बादाम, ये भी अच्छे से भून जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ घर की जमी हुई 1/2 कप मलाई। 1/2 कप लेनी है लेकिन हमारे पास कम है, तो मैंने जितनी थी उतनी ले ली है। 1/2 कप मलाई जाएगी इसमें। आपके पास 1/2 कप है तो आप 1/2 कप ही डालेंगे। मेरे पास कम थी तो मैं जितनी मलाई है वो ले रही हूँ, और बाद में थोड़ा सा दूध भी ऐड करूँगी इसमें। इसे फिर हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मलाई जो डाली है वो भी अच्छे से इसमें भून जाए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप दूध। 1 कप दूध को अच्छे से पकाकर हमने 1/2 कप कर लिया है, वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डालने के बाद में अब हम इसे 2 मिनट तक और भूनेंगे। दो मिनट हो गए, अब हम इसे प्लेट में डाल के ठंडा कर लेंगे। हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। यहाँ पर मैंने देसी खांड ली है। अगर आपके पास खांड नहीं है, ये शुगर चीनी का पाउडर होता है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास घर में जो भी चीनी वगैरह है उसको आप पाउडर फॉर्म में ले आइए, और हम इसमें मिक्स कर देंगे। चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे इसमें। आपको अगर ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो ज़्यादा डालेंगे, आप कम पसंद करते हैं तो हम इसमें कम मीठा डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। किशमिश, इनको मैंने
छोटे पीसेस में काट लिया, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गए, आइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथ में लिया ये और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए, इसकी बाइंडिंग देखिए कितने बढ़िया तरीके से बंध रहा है ये। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर आपका थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें दूध के छींटे डालते हुए भी, देखिए बनकर तैयार हो गए हमारे बढ़िया से आटे से मोदक। आप भी इसे बनाएं और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।